सीआईडी विवाद के बाद विभागों में फेरबदल किया गया है और काफी अहम खबर आपको बता दें, सीआईडी विभाग को लेकर एक विवाद चल रहा था और अब एक फेरबदल सामने आया है। गृह मंत्री अनिल विज से वापस लिया गया है सीआईडी विभाग। सीएम मनोहर लाल को सौंपी गई सीआईडी विभाग की जिम्मेदारी, राजभवन मामले और कार्मिक एवं प्रशिक्षित विभाग भी सीएम के पास रहेंगे। मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राज्यपाल ने बदले हैं विभाग। जी हां, और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के पोर्टफोलियो में भी फेरबदल किया गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को चुनाव पोर्टफोलियो आवंटित किए गए हैं। कला एवं सांस्कृतिक मामलों का पोर्टफोलियो अब शिक्षा मंत्री के पास है। तो आपको जानकारी दे दें कि पहले परिवहन मंत्री के पास कला एवं सांस्कृतिक मामलों की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सीआईडी विभाग को लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद अब ये फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो ये फेरबदल अब सामने आ चुका है और जिस तरीके से सीआईडी विवाद शुरू हुआ, बार बार ये कहा गया कि गृह मंत्री के पास ये विभाग है, अब ये सीएम के पास जाना चाहिए। और अब हम जिस तरह से विवाद था, इस विवाद में ये विराम भी लगा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि अब साफ हो चुका है कि सीआईडी विभाग अनिल विज के पास यानी गृह मंत्री के पास नहीं रहेगा, बल्कि सीएम के पास रहेगा। और इसके अलावा भी जो बदलाव किए गए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहला ही कोई बदलाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आरती, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से बयानबाजी भी लगातार इस मामले को लेकर की जा रही थी। भले ही दोनों ओर से ये कहा जा रहा था कि ये कोई मामला ही नहीं है और इस तरीके से जो है मामले को खत्म करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अनिल विज ने जो कहा कि जब तक मैं गृह मंत्री हूँ रिपोर्टिंग मुझे ही करनी होगी, इसके बाद भी मामले ने काफी तूल पकड़ा। और अभी की अगर बात करें तो अभी फिलहाल बदलाव हुआ है, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को भी चुनाव पोर्टफोलियो आवंटित किया गया है, जो कि पहले परिवहन मंत्री के पास था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब शिक्षा मंत्री के पास कला एवं सांस्कृतिक मामलों का पोर्टफोलियो रहेगा। तो जिस तरह से फेरबदल देखने को मिले हैं, और हरियाणा की राजनीति की बात करें, चाहे मनोहर सरकार पार्ट वन की बात कर लीजिए, चाहे मनोहर सरकार पार्ट टू की बात कर लीजिए, मनोहर लाल जो कि सीएम है हरियाणा के, बहुत शांत स्वभाव के माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अनिल विज की बात करते हैं तो वो हमेशा अपने बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, बयानबाजी के लिए उन्हें जाना जाता है। तो उसी लिहाज से बार बार उनके बयान सामने आए, और लेकिन बार बार ये भी स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि कोई तल्खी नहीं है, दोनों के बीच में जो स्थिति है वो एक सामान्य स्थिति है जी, और सीएम सर्वे सर्वा है, ये भी अनिल विज ने बार बार कहा। यानी कि ये जो विवाद है इसमें बार बार दोनों तरफ से बयानों का आना ये भी स्पष्ट करता है कि समन्वय बिठाने के प्रयास जरूर किए जा रहे थे। बिल्कुल, तालमेल बिठाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी। लेकिन आरती, एक और चीज यहाँ पर देखने को मिली, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। सीधे तौर पर विपक्ष ने खूब सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि देखिए, इस तरीके से अगर आपके ही अधिकारियों के बीच, आपके ही मंत्रियों के बीच और सीएम और गृह मंत्री के बीच, नेता प्रतिपक्ष की बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से बार बार इस पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि क्या दोनों के बीच में तल्खी है, और वहीं ये भी कहा गया कि शायद अधिकारियों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो किसकी बात सुने। वहीं अगर बात करते हैं इनेलो के विधायक अभय चौटाला की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर बयान दिए गए। लेकिन बार बार बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो सीएम की तरफ से भी कहा गया कि ये कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, एक छोटी सी बात है। और पहले भी जब भी ऐसे विभागों का बंटवारा किया गया तो पहले भी सीएम के पास विभागों को दे दिया गया था, पहले भी गृहमंत्री के पास से इन विभागों को लिया गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अनिल विज ने सिफारिश की कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके बाद फिर ये विवाद एक बार गर्मा गया। बार बार लगा कि विवाद शांत हो गया, लेकिन फिर विवाद गर्माता गया। लेकिन अब लगता है कि एक बार फिर से जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उसके बाद शायद ये जो विवाद था सीआईडी को लेकर अब थम जाए। बिल्कुल, और इसी कश्मकश के बीच जो है सीआईडी चीफ भी घेरे में आए और उन पर भी इस चीज की गाज गिरी। लेकिन गृह मंत्री से अब वापस ले लिया गया है सीआईडी विभाग और सीएम को सौंप दिया गया है। तो ये अहम जिम्मेदारी जो थी ये अब सीएम के पास होगी, इसे साफ कर दिया गया है। तो ये बड़ा फेरबदल जो हुआ है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ा फेरबदल सीआईडी विभाग में, और सीआईडी विवाद चर्चा का विषय बन गया था पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यही बना हुआ था। मुद्दा भी यही था कि आखिर सीआईडी विभाग कहाँ जाता है, किसके पास रहता है, क्योंकि गृह मंत्री चाहते थे कि उनका कंट्रोल रहे, उनके पास रहे सीआईडी विभाग, लेकिन वहीं सीएम के पास ये विभाग जाता है या नहीं जाता है इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। सीएम की तरफ से साफ किया गया था कि एक बार पहले भी हरियाणा के इतिहास में हो चुका है कि विभाग जो है सीआईडी
वो गृह मंत्री की बजाय सीएम के पास रह चुका है, तो उन्होंने साफ जरूर कर दिया था कि वो चाहते हैं कि सीआईडी विभाग उनके पास रहे। और अब ये जो बदलाव हुआ है ये सीएम के परामर्श के बाद हुआ है, जो हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे थे, और देखना होगा अब इसका आगे क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और बड़ी बात ये भी रही कि एनएल विज की तरफ से कहा गया कि उन्हें सीआईडी की तरफ से इंटेलिजेंस उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, और इसीलिए उन्होंने सिफारिश की थी कि जो सीआईडी चीफ हैं उनको बदला जाए, ये सिफारिश भी उनकी तरफ से की गई थी। तो एक बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति में इसे कह भी सकते हैं, क्योंकि सीआईडी को लेकर बहुत बड़ा विवाद एक खड़ा हो गया था। बार बार ये लग रहा था कि विभाग आखिर किसके पास रहेगा, क्योंकि गृह मंत्री चाहते थे विभाग उनके पास रहे, लेकिन गृह मंत्री की तरफ से बयान ये दिया गया था कि गृह मंत्री होने के नाते विभाग उनके पास रहे, उन्हें तमाम इनपुट दिए जाएं, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे हैं, ये शिकायत भी उन्होंने की थी। और वहीं सीएम के पास विभाग जाता है नहीं जाता है, इसको लेकर भी बार बार कयास लगाए जा रहे थे। और सीएम ने कहा था कि पहले भी हरियाणा के इतिहास में हो चुका है कि सीआईडी विभाग गृह मंत्रालय के बजाय सीएम के पास रह चुका है। बिल्कुल आरती, और इससे पहले वेब पोर्टल पर जो हमने देखा, वेब पोर्टल पर जब चीजें बदली तो उसके बाद भी ये सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। गृह मंत्री ने भी सवाल उठाए, लेकिन सीएम का कहना था टेक्निकल मिस्टेक थी और इसके चलते ये हुआ, लेकिन फिर भी सीएम को अब दिया गया है सीआईडी विभाग, और पहले से ही ये सवाल थे कि आखिरकार अंत क्या होगा इस मामले का, लेकिन लगता है कि अंत हो गया है, सीआईडी विभाग सीएम को दे दिया गया है, ये बड़ा बदलाव किया गया है और गृह मंत्री से लिया गया है सीआईडी विभाग। और इस खबर पर हमारे साथ धर्मपाल धनखड़ जुड़े हैं, हमारे सलाहकार संपादक, रुख करते हैं धर्मपाल धनखड़ जी का। तो धर्मपाल सर, जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई है कि महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं कैबिनेट विस्तार के बाद, इन बदलावों को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए आरती, ये काफी समय से सीआईडी को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री के बीच एक तरह से रस्साकसी चल रही थी जी। और गृह मंत्री विज जो है वो लगातार सीआईडी चीफ से रिपोर्ट मांग रहे थे, इनपुट्स मांग रहे थे, ले और उनके काम से वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने सीआईडी चीफ को हटाने का भी सिफारिश कर दी थी, मतलब एक तरह से उसको विभाग से हटाने की निर्देश जारी कर दिए थे, आदेश जारी कर दिए थे जी। और इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने जो है ये विभागों का आवंटन जो है वो दोबारा से किया है और एक तरह से सीआईडी जो है वो वापस ले लिया है, और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से कला एवं संस्कृति मंत्रालय भी जो है वो वापस ले लिया है। तो जी बिल्कुल धनखड़ जी, अब क्या लगता है कि अब ये विवाद खत्म हो जाएगा? विवाद खत्म नहीं होगा, अभी और रस्साकसी चलेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय के पास, गृह मंत्री के पास अगर सीआईडी नहीं है तो निश्चित रूप से उसको इनपुट्स मिलने में दिक्कत आएंगी। और अनिल विज लगातार इस बात को कहते रहे हैं, अगर मैं गृह मंत्री हूँ तो सीआईडी चीफ को मुझे रिपोर्ट करना ही होगा और मुझे इनपुट्स चाहिए, क्योंकि मुझे पूरे देश की पूरे प्रदेश की कानूनी व्यवस्था की स्थिति जांचनी है, कल क्या होने वाला है ये सीआईडी को मुझे बताना ही होगा और ये रिपोर्ट देनी ही होगी। तो एक तरह से अगर गृह मंत्री बनाया जाता है और सीआईडी नहीं है तो उसके अधिकार में कटौती हो जाती है। लेकिन सीएम की तरफ से ये भी कहा गया कि हरियाणा के इतिहास में कोई नई बात नहीं है, पहले भी सीआईडी सीएम के पास रहा है, गृह मंत्रालय को नहीं दिया गया, तो ये बात भी सीएम की तरफ से एक बार साफ की गई थी। देखिए वो तो सीएम लगातार इस बात को कहते रहे हैं और इस बात के उदाहरण भी हैं अतीत में कि गृह मंत्री को सीआईडी विभाग नहीं दिया गया और वो मुख्यमंत्री के पास ही रहा है, तो यहाँ इस बार भी उसी परिपाटी को एक बार तोड़ते हुए उस परिपाटी को मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अनिल विज को दे दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से वापस लिया गया है उससे मुझे लगता है कि विवाद खत्म नहीं होगा, रस्साकसी अंदर ही अंदर जो है वो चलती रहेगी, खींचतान जो है वो चलती रहेगी जी। तो खींचतान पहले भी सामने आती रही, दोनों के बयान सामने आते रहे, लेकिन बार बार ये भी कहने का प्रयास किया गया कि सब कुछ सामान्य है, तालमेल बैठा दिया गया है, लेकिन अब जो परिवर्तन किए गए हैं उसके बाद कह सकते हैं कि तलखी थी कहीं ना कहीं। हाँ, तलखी थी भी और आगे भी मुझे नहीं लगता कि तलखी जो है वो खत्म हो गई होगी, और इस तरह से जो है अब अनिल विज का क्या रिएक्शन आता है इस पे, इस बात पे निर्भर करेगा। बिल्कुल, देखने वाली बात रहेगी कि अनिल विज अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए
धनपाल धनखड़ जी हमारे सलाहकार संपादक थे। और जिस तरह से ये स्थिति अब बन रही है हरियाणा में, कह सकते हैं कि अब ये विवाद खत्म होने के लिए, विवाद को खत्म करने के लिए अहम प्रयास किए जरूर गए हैं। क्या विवाद अब थम पाता है, क्या इस पर जो प्रतिक्रियाएं आने वाली हैं उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या स्थिति अब हरियाणा की राजनीति में बनती है।